नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान समर्थित गजवा ए हिंद के मॉड्यूलर से जुड़े रहने की आशंका के चलते राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने देवास जिले के सतवास में छापामार कार्यवाही की। इस दौरान संदीप लियाकत को एक नोटिस भी जारी किया गया है, जबकि उसका मोबाइल भी जाँच के दायरे में लिया गया है। बता दें कि एनआईए लखनऊ की टीम ने जब कार्यवाही की तो सतवास में खलबली मच गई। दरअसल रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम देवास जिले के रतवास पहुंची। बता दें कि यहां पर मेवाती मोहल्ला इलाके में रहने वाले लियाकत के घर पर छापा मारा गया। सतवास थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि एनआईए की टीम सतवास में आई थी और लियाकत नामक युवक से पूछताछ के बाद वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि लियाकत अभी बीमार चल रहा है, उस पर गजवाए हिंद का मॉड्यूलर होने का कथित आरोप है। एनआईए की टीम ने उसका मोबाइल भी जांच के दायरे में लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिलती है तो लियाकत की मुश्किलें बढ़ भी सकती है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ से आई एनआईए की टीम में प्रदीप कुमार यादव, अनिल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे, वहीं जिन्होंने लियाकत को एक नोटिस भी थमाया है। इस दौरान सतवास के दो लोगों को गवाह भी बनाया गया है। वहीं अभी लियाकत की भूमिका की जांच हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में लियाकत को एनआईए के बुलावे पर हाजिरी देना पड़ सकता है। वहीं सतवास थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि मेवाती मोहल्ला इलाके में रहने वाले लियाकत का स्थानीय थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा देवास जिले में भी उसका कोई रिकॉर्ड होने की अभी जानकारी सामने नहीं आई है। एनआईए की टीम ने बंद कमरे में लियाकत से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने क्या जब्त किया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।